हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री एस में। आज हम आपको करुणानिधि के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। एम करुणानिधि यानी कि मुतुवेल करुणानिधि का जन्म 3 जून 1924 को हुआ था। तिरुवरूर के तिरुकुवालाई में जन्मे करुणानिधि के पिता मुथुवेल तथा माता अंजुगम थी। करुणानिधि ने 3 शादियां की थी। उनकी पत्नियों में से एक पद्मावती का देहांत हो चुका है, जबकि अन्य 2 पत्नियां दयालु और रजती है। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटों में एम के मुथु और पद्मावती ने जन्म दिया और दयालु की संतानें एम के अलगिरी, एम के स्टालिंग, एम के तमिल रासु और बेटी सेल्वी है। उनकी दूसरी बेटी कनीमोई रजनी की संतान है। करुणानिधि 14 साल की उम्र में ही राजनीति के मैदान में उतर गए थे। इसकी शुरुआत हुई थी हिंदी हटाओ आंदोलन से। वर्ष 1937 में हिंदी भाषा को स्कूलों में अनिवार्य भाषा की तरह लाया गया और दक्षिण में इसका विरोध शुरू हो गया। करुणानिधि ने भी इसकी खिलाफत शुरू कर दी। कलम को हथियार बनाते हुए हिंदी को अनिवार्य बनाए जाने के विरोध में जमकर लिखा। हिंदी के विरोध में और लोगों के साथ रेल की पटरियों पर लेट गए और यहीं से उनकी पहचान मिली। हिंदी विरोधी आंदोलन के बाद करुणानिधि का लिखना पढ़ना जारी रहा और 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म उद्योग की कंपनी जुपिटर पिक्चर्स में पटकथा लेखन के रूप में अपना करियर शुरू किया था। अपनी पहली फिल्म राजकुमारी से ही वह लोकप्रिय हो गए थे। उनकी लिखी 75 से अधिक पटकथा काफ़ी लोकप्रिय हुई। यही वजह है कि भाषा पर महारत रखने वाले करुणानिधि को उनके समर्थक कलाई नार यानी कि कला का विद्वान भी कहते हैं। एम करुणानिधि कोयम्बटूर में रहकर व्यावसायिक नाटकों और फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे थे। कहा जाता है कि इसी दौरान पेरियर और अन्नादुरई की नज़र उन पर पड़ी। उनकी औसफी भाषा कला और लेखन शैली को देखकर उन्हें पार्टी की पवित्रता कुदिया रासु का संपादक बना दिया गया। हालांकि इसके बाद 1947 में परियार और उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले अन्नादुरई के बीच मतभेद हो गए और 1949 में नई पार्टी द्रविड़ मुतेद कन्नड़ यानी DMK की स्थापना हुई। यहाँ से पेरियार और अन्नादुरई के रास्ते अलग हो गए थे। DMK की स्थापना के बाद एम करुणानिधि की अन्नादुरई के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। पार्टी की नींव मजबूत करने और पैसा जुटाने की जिम्मेदारी करुणानिधि को मिली। करुणानिधि ने इस दायित्व को बखूबी निभाया। इस दौरान वह तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी सक्रिय रहे और उनकी लिखी पराशाक्षी जैसी फिल्में सुपर डुपर हिट रही। करुणानिधि की अधिकतर फिल्मों में सामाजिक बुराइयों पर चोट और द्रविड़ अस्मिता की आवाज़ बुलंद होती थी। वर्ष 1957 में DMK पहली बार चुनावी मैदान में उतरी और विधानसभा चुनाव लड़ी। उस चुनाव में पार्टी के कुल 13 विधायक चुने गए, जिसमें करुणानिधि भी शामिल थे। इस चुनाव के बाद DMK की लोकप्रियता बढ़ती गई और सिर्फ 10 वर्षों के अंदर पार्टी ने पूरी राजनीति ही पलट दी। वर्ष 1977 के विधानसभा चुनाव में DMK ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और अन्नादुरई राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। हालांकि सत्ता संभालने के 2 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अन्नादुरई की मौत के बाद करुणानिधि ड्राइविंग सीट पर आ गए और सत्ता की कमान संभाली। वर्ष 1971 में वह दोबारा अपने दम पर जीतकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। वर्ष 1971 में दोबारा अपने दम पर जीतकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। यहां सिनेमाई हीरो MG रामचंद्रन उनके नए साथी बने। इसी दौरान उनकी अभिनेता MGR से नज़दीकियाँ बढ़ी, लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। MGR ने AIADMK के नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। 1977 के चुनावों में MGR ने करुणानिधि को करारी शिकस्त दी। 1977 के बाद से तमिलनाडु में 6 माह का सिलसिला चलता रहा। अपने 60 साल से ज़्यादा के राजनीतिक करियर में करुणानिधि 5 बार तमिलनाडु
के सीएम बने। उनके नाम सबसे ज्यादा 13 बार विधानसभा विधायक चुनने का रिकॉर्ड भी है। केंद्र में संयुक्त मोर्चा एनडीए और यूपीए सबके साथ सरकार में उनकी पार्टी शामिल रही। बतौर करुणानिधि वह खुद एक चलती फिरती लाइब्रेरी है। जीवन में पढ़ी सारी किताबें उन्हें आज भी याद है। एम करुणानिधि के राजनीतिज्ञ, फिल्म पटकथा लेखक, पत्रकार के साथ साथ तमिल साहित्यकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने कविताएं, उपन्यास, जीवनी, निबंध आदि भी रचे हैं। उनकी लिखी हुई कविताओं की संख्या 100 से ज़्यादा है। उनके घर में भी एक लाइब्रेरी है जिसमें 10,000 से ज़्यादा किताबें हैं। कहा जाता है कि करुणानिधि को योग बहुत पसंद है और वह सामान्य दिनों में योगाभ्यास से चूकते नहीं हैं। करुणानिधि ने अपने मकान दान दे दिया है। उनकी इच्छा के मुताबिक उनकी मौत के बाद उनके घर को गरीबों के लिए अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने बताया कि करुणानिधि के जीवन के बारे में तथा उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।